हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। वैसे तो मैं सुबह बहुत ही कम रिकॉर्ड करती हूँ और इस टाइम पे हस्बैंड जी का लंच मैं तैयार कर रही हूँ, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रही हूँ। सुबह के आई थिंक अभी टाइम हो रहे थे 6:30 के आसपास का, हाँ 6:30 के इधर उधर थोड़ा सा हो रहा था। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी और सब्जी दूसरी साइड में बन रही है। और सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि जब उठ के खाना बनाऊँ उस टाइम पे कैमरा लगाने का दिल नहीं करता है। ये लगता है मेरे साथ ही होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ मॉर्निंग टाइम से वो लोग ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस आता है सुबह में। ऐसा लगता है जल्दी जल्दी खाना मैं बना के लंच पैक करके दे दूँ, ब्रेकफास्ट इनको दे दूँ, ये करके चले जाएँ, उसके बाद जो भी मेरी ब्लॉगिंग है मैं 9 से 10 बजे के बाद ही मैं अपना शूट करना स्टार्ट करती हूँ। बट आज मैंने भी कोशिश की चलो यार ब्रेकफास्ट का तो एटलीस्ट आज मैं रिकॉर्ड करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं ना सब्जी बना रही थी, इसमें मैंने मटर डाला है, आलू और गोभी। तो मैं चेक कर रही थी कि ये सब्जी हुई कि नहीं हुई और थोड़ा सा मुझे और क्रिस्पी करना है। और रोटी मैं अभी यहाँ पे सेक रही हूँ और इस टाइम इतनी ही रोटी बनाती हूँ जितना इनको लंच के लिए पैक करके देना होता है और या फिर जो ये खा के जाते हैं सुबह सुबह, बस इतना ही मैं इनको इस टाइम पे देती हूँ, उस बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और आज मैंने सोचा ना कि जो पहले का घी है, मतलब ये जो घी है ना 1.5 साल पुराना है और ये खरीदा हुआ घी है। वैसे तो मैं घर पे निकालती हूँ, मैंने कल के ब्लॉग में भी आप लोग को दिखाया था। तो इन्होंने ही मुझे ये बोला कि जो पहले वाला घी है ना खरीदा हुआ उसको पहले ख़त्म कर और जो अभी घी निकालती है इसको बाद में ख़त्म करना, क्योंकि पहले वाला जो घी है उसमें से कई बार ऐसा होता है कि स्मेल आने लगता है। मैंने ऐसे ही 2 से 2.5 kg जो घी था वो मैंने एक बार अपनी हाउस हेल्पर को दे दिया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगी थी। और मैं घी बहुत ही कम खाती हूँ, या तो मैं हलवे में खा ली या फिर ड्राई फ्रूट्स भूनना वगैरह रहता है, बस इतना ही। ऐसे मुझे घी डाल के या फिर दाल में घी या फिर रोटी में घी, ये सारा ना ऐसे मैं नहीं खा पाती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी खाना तो बन ही गया है, उसके बाद बस इधर मैं जो बर्तन वगैरह है वो सब मैं वो कर रही थी, इकट्ठा कर दे रही थी और साथ ही साथ हैंड वॉश कर ली। उसके बाद इनका लंच बॉक्स उतारी, लंच बॉक्स निकालने के बाद बस रोटी, ये लास्ट रोटी ही थी, मैंने इसको सेक ले रही हूँ और बस उसके बाद खाना वाना जो भी है ये पैक कर दूंगी। और ये अभी नहा रहे थे और सुबह का टाइम इनका भी टाइम ऐसा होता है कि एकदम बिजी होते हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि ब्रेकफास्ट दे दो, ये बोले कि दे दो। और पहले तो मैं एक रोटी देती हूँ, फिर 2 रोटी और देती हूँ, कई बार ये 3 रोटी खा लेते हैं लेकिन कई बार बोलते हैं बस 2 ही खा के जाऊँगा। और ये देखिए ये वाला घी है जो कि है अमूल का घी और ये बहुत टाइम मतलब पुराना हो गया, एकदम 3 साल नहीं उससे कम ही का हुआ है, लेकिन फिर भी अगर 6 महीने और मैं छोड़ दूँ ना तो स्मेल आने लगेगी और ये पूरा ही घी बर्बाद हो जाएगा। तो बस मैंने ये पेपर निकाल लिया है जिसमें मुझे रोटियों को पैक करना था और इसमें मैं घी भी लगा दे रही हूँ। और घी मैं डेली ही लगा के इनको नहीं देती हूँ, कई बार स्किप कर देती हूँ, कभी ऐसा लगता है ना दिमाग में आता है कि यार चलो लगा के दे देते हैं आज, क्योंकि दोपहर तक रोटी जो होती है ना एकदम हार्ड हो जाती है और खाने का भी दिल नहीं करता है। एंड बस यहाँ रोटी पैक हो चुका है, उसके बाद ये जो है इसमें क्या है, हाँ ये सैलेड मैंने कट किया है, इसमें है देख सकते हैं एप्पल है, खीरा है और अंगूर है और इसमें क्या था गाजर है, इतना सारा चीज़ था। और बड़ा वाला डब्बा में देती हूँ, लेकिन बड़ा वाला जो इनका बॉक्स था ना फ्रूट्स वाला बॉक्स वो क्या था अभी वॉश करने के लिए रखा हुआ था, तो आज मैंने छोटे वाले में ही दे दिया। सब्जी भी मैंने पैक कर दिया और दूसरी साइड में मिल्क रख दी हूँ गर्म करने के लिए और ये थोड़ा सा मैं सब्जी में अचार भी रख दे रही हूँ। बस इनको पानी का बोतल में भी गुनगुना पानी करके दे दी थी, ये ऑफिस चले गए थे। उसके बाद बस यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह भी कर रही हूँ ठीक, और स्पर्श को अभी मैं उठाऊंगी जल्दी जल्दी, फिर वो उठेगा, उठने के बाद ना उसका काम जो होता है ना वो जल्दी जल्दी वाला होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं नहा धो लूँ ना उसके बाद ही मैं उसको उठाया करूँ। तो बस यहाँ पे ये सब हॉल वगैरह मैं करूँगी ठीक, उसके बाद बस और भी जो काम है ना वो सब मैं लग जाऊँगी। और सबसे ज़्यादा पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मेरे साथ हमेशा होता है यार सोफ़ा कवर ठीक करना, ये बहुत बड़ा मतलब डेली मतलब दिन भर में ना 4 से 5 बार का काम होता है, और कितना भी मैं सोचती हूँ सही करके रखूँ लेकिन वो ख़राब होना ही होना है। और अभी हो गया था गाइस 10:30 के आसपास का टाइम और मैं नहा धो ली थी, पूजा कर ली थी और ये रात को जो भी वेजिटेबल लेके आए हुए थे उसको मुझे सेट करना है, साथ ही साथ फ्रूट्स अलग करना है, जो सब्जियां हैं वो अलग करूंगी, जो पहले खराब होगी उसको मैं आज शाम को बनाऊंगी, ये सारा चीज रहता है। और उसके बाद जो थैला है जिस थैले में ये लेके आते हैं उसको मैं धूप में डाल देती हूँ और फिर वो क्या होता है सूख जाता है ना तो वो सही रहता है, नहीं तो फिर उसमें से अगर मैं ऐसे फोल्ड करके रख दूँ तो स्मेल आने लगती है। तो यहाँ सारी सब्जियाँ मैं अभी खोल रही हूँ और पॉलिथीन को खोल खोल के रखूँगी, उसके बाद देखूँगी जो वॉश करने वाला होता है उसको वॉश कर दी। देखिए खाना तो ये ज़्यादा लेके नहीं आया है,
ये क्या है, मटर है, आलू तो पहले से था, प्याज है यहाँ पे, धनिया पत्ता, मशरूम का एक पैकेट लेके आया, आज शाम को ये मशरूम बना दूंगी या फिर दोपहर में, बीन्स, लहसुन, ये टिंडा है, ये देखिए ये टिंडा है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं टिंडा, ये टिंडा है, एंड गोभी, बैंगन, इसका पोलोथीन में खोल के रख दूँ, ऐसे तो ना रात सुबह सुबह उठते उठते ठीक कर लेना चाहिए था बट नहीं कर पाई हूँ, ये स्प्रिंग ऑनियन, करेला, और क्या है इसमें, ये टमाटर है, एंड परवल, परवल है, शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च हमारे घर में बहुत दिनों बाद आया है, एंड केला, कच्चा केला सबका फेवरेट है यार मेरे घर में, मतलब तीनों लोगों का, हम लोगों का, एंड ये गाजर हो गया, खीरा है, खीरा थोड़ा सा था ना तो इसलिए खीरा कम ही लाए हैं, एक और है, तो ये हो गया आज का सब चीज़, इसको जा रही हूँ सेट करने, इधर है पपाया, ये बड़ा सा पपाया आया है, सुबह कट करके देना चाहिए था इनको, चलो भूल गई, कोई नहीं है, नेक्स्ट टाइम कल कर। तो गाइस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ ममा अर्थ की हनी मलाई फेस वॉश की रिव्यू, साथ ही साथ ममा अर्थ के हनी मलाई मॉइस्चराइजर की रिव्यू। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है ममा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, सो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ममा अर्थ के प्रोडक्ट जो होते हैं वो टॉक्सिन फ्री होते हैं, साथ ही साथ ये प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं जो रिसाइकिल भी हो जाते हैं, और ये क्यूटी फ्री भी होते हैं, और जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं ये उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये रिसाइकिल करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले यूज़ करने जा रही हूँ ममा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश जो कि आता है विद हनी एंड मलाई के साथ। इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें लेना है, उसके बाद अपने फेस पे इसको लगाना है। एंड गाइज ये जो फेस वॉश है ये जैसा कि बताया मैंने हनी एंड मलाई के साथ आता है, फॉर नरिशिंग ग्लो के लिए है, मेड सेफ है, ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह का पैराबीन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है, मेड सेफ है, और 100 ml क्वांटिटी के साथ हमें मिल जाता है। ये आपके स्किन को जेंटली क्लीन करता है, और हनी हेल्प करता है आपकी स्किन को नरिश करने में, और मलाई हेल्प करता है आपकी हेल्थ ग्लो बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से मैं मसाज कर लूंगी, उसके बाद अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लूंगी। दोस्तों इस फेस वॉश में की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें है एक्वास्टेरिक एसिड है, ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है एंड इफेक्टिव है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी ममा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, ये आता है विद हनी के साथ एंड मलाई के साथ, फॉर नरिशिंग ग्लो के लिए है, मेड सेफ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी की मैं बात करूं तो 80 ग्राम हमें इसकी क्वांटिटी मिल जाती है, प्राइस इसकी है 319 रुपीज, और ये जो मॉइस्चराइजर ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, मेड सेफ है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लूंगी, देख सकते हैं इस तरीके से पैकेजिंग में कुछ मुझे हुआ है रिसीव, थोड़ी सी क्वांटिटी में लूंगी, और अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना तो भी बेफिक्र होकर इस आप मॉइस्चराइजर को लगा सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ये नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजेशन ये आपकी स्किन को देता है, साथ ही साथ हनी हेल्प करता है नरिश करने में स्किन को, और मलाई हेल्प करता है आपके स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए। और इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें है एक्वा, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, हनी मिल्क प्रोटीन है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है एंड इफेक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो करी और बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं हो रहा है। गाइस आप ममा अर्थ के प्रोडक्ट को आप पर्पल, नायका, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर आप ममा अर्थ के ऑफिशियल साइट से भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ममा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, और आप इसको आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, अपने नियरेस्ट स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ममा अर्थ के ऑफिशियल साइट से इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूट्यूबर सारिका 2023 यूज करते हैं जो कि मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूं, और इस कूपन कोड को आप ऐप के जरिए भी रिडीम किया जा सकता है। सो गाइज आप लोग चेकआउट कर लेना, अगर आपको परचेस करना है तो आप लोग जरूर ट्राई करना, लिंक मैं सारा डिटेल और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइज आज मैं ना चने की दाल बना रही हूँ, दाल चने चना दाल फ्राई बना रही हूँ सॉरी। तो यहाँ चना को मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले, उसके बाद ये कढ़ाई मेरे पास इसी में सब्जी बनी हुई थी, हालांकि इसको इतना भूनना जरूरी नहीं है लेकिन मैं भून रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। एंड ये प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है, यहाँ कट कर ली हूँ प्याज, इतना सही प्याज डालूंगी, लहसुन को इस तरीके से कूट ली हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, क्योंकि मैं पेस्ट नहीं रखती हूँ, इसका रेडीमेड जो पेस्ट आता है ना इंस्टेंट वाला वो मैं नहीं रखती हूँ, उसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। सो यहाँ पे ये कट कर ली हूँ, ये देखिए बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और यहाँ मैंने डाल दिया है लौंग, एक लौंग डाली हूँ, 2 काली मिर्च डाली हूँ बस, ये थोड़ा सा, उसके बाद में फिर प्याज डालूंगी, तब तक ये भी नहीं, जब तक ये होगा अच्छी तरीके से ये भून जाएगा। ये देखिए अलग अलग सारा हो गया, और इसी तरह लो फ्लेम पर मैं भूनने दूंगी 5 मिनट तक, और इसके बाद डालूंगी बस, ये इसका भी ना खुशबू आने लगा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज,
तो बस अभी प्याज भून रहा था, उसी बीच में लहसुन जो था लहसुन को भी मैं डाल दे रही हूँ ताकि अच्छी खुशबू आने लगे। जैसे लहसुन डालती हूँ ना उसके बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है। एंड बस मैं सोची कि चलो थोड़ा सा टमाटर भी इसमें डाल लेते हैं, तो टमाटर को भी मैं वॉश करके और कट कर ले रही हूँ। टमाटर भी डालेंगे और बस बड़ी इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया और दूसरी साइड में जो चना दाल था वो भी भून रहा है, तो इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो गाइज उसके बाद मैं कर ले रही हूँ मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक और मसाले डालूंगी, मतलब सारे ही मसाले डालूंगी। बेसिक मसाले जो हम हर सब्जियों में यूज़ करते हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, या फिर कई बार होता है सब्जी मसाला, ये सारे। और टमाटर भी यहाँ पे कट कर ले रही हूँ, टमाटर भी बारीक मैं कट करके फिर डालूंगी और ये जल्दी से गल भी जाएगा। सो गाइस बहुत बहुत टाइम बाद मैं चने की दाल फ्राई बना रही हूँ। सो था ना दाल और चावल खाते खाते बोर हो गए थे, या फिर रोटी सब्जी भी खाते खाते बोर हो गए थे, तो इसीलिए और थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा मैं बना रही हूँ, क्योंकि रात को अगर रहेगा, अगर दोपहर में बनाती हूँ तो मैं तो रख ही देती हूँ इनके लिए रात के लिए, या सुबह भी अगर कुछ स्पेशल बनाऊँ तो मैं इनके लिए रख देती हूँ। तो बस इसीलिए रात का भी हमारा हो जाएगा और शाम को तो मशरूम की सब्जी बनानी ही है। मशरूम भाई स्पर्श का मशरूम और सोयाबीन, ये दोनों ना सब्जी है स्पर्श की फेवरेट है। बस यहाँ पे अभी मैं निकाल रही हूँ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता तो आज भी लेके आए थे, लेकिन पहले वाला जो धनिया पत्ता है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ कि इसको वेस्ट नहीं होने दूंगी मैं। और कई बार ना जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें धनिया पत्ता यूज़ नहीं होता है और मैं कई बार भूल भी जाती हूँ, मेरी भी गलती है, और मेरी ये सबसे बड़ी गलती है कि मैं धनिया पत्ता भूल जाती हूँ और धनिया पत्ता ख़राब हो जाता है मेरे किचन का। तो बस मैं सोची फेंकूंगी तो नहीं। और यहाँ पे देखिए ये दाल भी मैंने बंद कर दिया था, जो थोड़ा सा फ्राई हो रहा था उसको मैं अब ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ प्रेशर कुकर में, और उसमें सारे मसाले तो पहले से मैंने डाल के भून ही लिए हैं, बस उसमें मैं ऐड करूँगी पानी, और पानी ही डालने के बाद मैं उसका ढक्कन लगा दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं सारे मसाले मैंने डाल दिए इसमें, उसके बाद दाल को भी डाल दी हूँ, चने की दाल को जो भून के रखी थी। अलग से धनिया पाउडर नहीं डाली हूँ क्योंकि इसमें ढेर सारा मैंने धनिया डाला है, तो ये जब गलेगा ना तो इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद बस ये तैयार हो चुका है, भून चुका है, अब इसमें मुझे पानी डालना है। तो बस जितना मुझे जितना पतला दाल बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी, और सीटी लगवा दूंगी 6 से 7 सीटी लगाऊंगी। यहाँ पे सबका पानी अलग अलग होता है हर जगह का, तो यहाँ पे हमें दाल बनाने में ना टाइम लगता है, तो सीटी भी हमें ज्यादा लगवाना पड़ता है। तो देखिए अब उसके बाद राइस रख दूंगी मैं, बस हमारा लंच हो जाएगा तैयार। थोड़ी देर में राइस बनने में जितना टाइम लगे, ये दाल बनने में सॉरी जितना टाइम लगे, उसके बाद बस ये धनिया पत्ता लास्ट में डालूंगी जब इसको ओपन करूंगी और इस बाउल में ट्रांसफर करूंगी, तब मैं धनिया पत्ता डालूंगी। तो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लंच करने में हम लोग को लगेंगे, तब तक मैं अभी जा रही हूँ, ये सीटी लगेगा, तब तक मैं थोड़ा सा स्पर्श को भी मैं बढ़ा लेती हूँ, बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है। फिर से हो रही है आज बारिश, और मैं अपना प्लांट्स दिखाती हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा ना गेंदा का ये देखिए फूल आया है, कितना सुंदर लग रहा है। एक और ये रोज़ जो लगाए थे ना ये वो है, एंड और मैं दिखाती हूँ इसमें सनफ्लावर आया हुआ है। सनफ्लावर नहीं है ये, कुछ और ही फ्लावर है, इसका नाम मुझे नहीं पता है कि कौन सा फ्लावर है। का मौसम सुबह धूप निकली थी और इस टाइम पे होने लगी है बारिश, मतलब 9 बजे से ही बारिश हो रही है और अभी भी बारिश लगी हुई है, थोड़ी 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 हो रही है। लेकिन जब मैं सुबह उठी ना, सुबह के टाइम धूप निकली थी अच्छी खासी, ऐसा लगा कि आज का मौसम बहुत अच्छा होगा। और जैसे सर्दियाँ, जैसे गर्मी है ना, गर्मी आई थी बीच में, फिर से सर्दी आ जा रही है बीच बीच में, क्योंकि बारिश कंटिन्यू 2 से 3 दिन होता है ना तो मौसम ठंडा हो जाता है। और आज ये स्वेटर भी पहन के नहीं गए हैं, बीच में ये स्वेटर पहन के जा रहे थे तो वो सही था, और आज नहीं गए हैं, आज मतलब बहुत ठंडी है। ऐसा लग रहा है ना कि लंच करने के बाद मैं भी थोड़ा सो जाऊँ। राइस बन चुका है, दाल भी बन गया है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत यम्मी यम्मी दिखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। तो हम लोग अभी करेंगे लंच थोड़ी देर में। यहाँ पे देखिए दाल, यम्मी सा दाल रेडी है, राइस भी रेडी है, मैं निकालने जा रही हूँ और उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। और ये आ गए अभी ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद आज मैंने कुछ नाश्ता बनाया नहीं था, तो मैंने जो पपाया था वही कट करके दी हूँ। वैसे भी ये पपाया एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है, 2 दिन में ख़त्म होगा, और स्पर्श को भी इन्होंने सिखा दिया खाने के लिए, वो नहीं खाता था। तो गाइस ब्लॉग को ये करती हूँ यहीं पे एंड, और मैं भी खा रही थी बैठे बैठे, मुझे भी पपाया पसंद है तो मैं भी खा रही थी, तो इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।